गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? डे इज मंडे, 11th January 2021. सो टेक योर जीके बुक एंड लेट स्टार्ट 5th चैप्टर. गो ऑन पेज नंबर 9. डायनासोर्स. डायनासोर्स वर रेप्टाइल दैट लिव्ड ऑन अर्थ अबाउट 230 million ईयर एगो. देयर वर मोर देन 300 डिफरेंट काइंड ऑफ डायनासोर्स. वर्चुअली डायनासोर्स आर द लार्जेस्ट एनिमल दैट एवर लिव्ड ऑन द अर्थ. Dinosaurs are extinct now. We can do nothing about animals such which have becoming extinct, but we can help prevent other from becoming extinct. Dinosaurs सरीसृप थे जो लगभग लाखों साल पहले पृथ्वी पर रहते थे. वे 300 से अधिक विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के थे. वस्तुतः डायनासोर सबसे बड़े जानवर थे जो कभी पृथ्वी पर रहते थे. डायनासोर अब विलुप्त हो गए हैं, मतलब अब उनकी प्रजातियां ख़त्म हो गई हैं. अब उन जानवरों के बारे में कुछ नहीं कर सकते जो विलुप्त हो गए. लेकिन हम दूसरे जो ऐसे जानवर हैं जिनके बारे में अभी भी हमें पता है कि वो हमारे पृथ्वी पर हैं, या उनके बारे में हम ये सोच सकते हैं कि उन्हें ख़त्म होने से कैसे बचाए जाए. टाइप्स ऑफ डायनासोर्स. बाय लुकिंग एट दियर हिप structure, dinosaurs are classified in two groups. These groups are called Saurischia, Saurischia, lizard hip, and Ornithischia, birds hip. देखने में जो उनकी हिप की जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग हमें डायनासोर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है सार्गेशिया, मीन्स चिपकली के जैसे दिखने वाला, एंड दूसरा है ऑर्निथिस्किया जो है बर्ड हिप जो पक्षी के जैसे दिखता है. हियर वी आर गिविंग सम इंफॉर्मेशन विद पिक्चर ऑफ डिफरेंट डायनासोर्स. लेट्स रीड एंड नाउ अबाउट दैम. फर्स्ट है वेलोसिरेप्टर. वेलोसिरेप्टर ए फुली ग्रोन वेलोसिरेप्टर गुड नाउ ग्रो अप टू 2 meters इन लेंथ, 0.5 meters इन हाइट एंड द हिप एंड वेट अप टू 15 kg. वेलोसिरेप्टर नाम का जो ये डायनासोर है वो फुली ग्रोन है, मतलब ये विकसित है, पूरी तरह से व्यस्क है. इसकी 2 meters तक इसकी लंबाई होती है और इसकी हिप की तरफ से जो ऊंचाई होती है वो 0.5 meters होती है और उसका वज़न 15 kg तक हो सकता है. सेकेंड है ट्राइसेराप्स. ये इट इज़ बिलीव दैट फुली ग्रॉन ट्राइसेराप्स वर अबाउट 8 meters इन लेंथ, 3 meters इन हाइट एंड इट्स वेट अबाउट अराउंड इन 6 to 12 tons. ये एक तरह से पूर्ण विकसित डायनासोर है जिसकी लंबाई 8 meters एंड हाइट 3 meters और इसका वजन 6 से 12 tons तक होता है. थर्ड नंबर है एलोसॉरस. Allosaurus was around 8.5 meter in length and weight about around 2.3 ton. Allosaurus की लंबाई लगभग 8.5 meter होती है और इसका वज़न लगभग 2.3 ton तक हो सकता है. Iguanodon weight around 3.5 ton and reach around 10 meter इन लेंथ. इगुआडन नाम का जो ये डायनासोर है वो लगभग 3.5 tons वजन होता है इसका और लंबाई लगभग 10 मीटर तक इसकी पहुंच सकती है. सो कंप्लीट दिस चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर 6 यूजफुल प्लांट्स. इन ए मैनी नंबर ऑफ वे प्लांट्स आर यूजफुल मैन एंड प्लांट्स कैन बी यूज इन थेरेपी फेस्टिवल्स एंड डिजीज़. कई तरीक़ों से हम ये देखते हैं कि पौधे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, चाहे वो चिकित्सा हो या त्योहारों में काम आने वाले हो या किसी दवाइयों में इनका उपयोग किया जा सकता है. लेट्स रीड एंड लर्न अबाउट सम यूजफुल प्लांट. कोकोआ ट्री. कोकोआ ट्री इज़ यूज टू गेट कोका बीन्स विच आर यूज इन मेकिंग चॉकलेट्स एंड कोको पाउडर. द सॉफ्ट एंड वाइट सीड्स आर ड्राई एंड ग्राउंड टू ऑब्टेन कोको पाउडर फ्रॉम विच चॉकलेट्स आर मेड. कोको ट्री जो होता है उसकी जो कोको बीन्स होते हैं, मीन्स उसके उनकी बीन्स से, उनके बीजों से हमें चॉकलेट्स और कोको पाउडर बनाया जा सकता है. ये सॉफ्ट होते हैं और वाइट सीड होते हैं. जब ये छोटे होते हैं, उगते हैं, उस वक्त ये सॉफ्ट एंड वाइट कलर के होते हैं, जिन्हें सुखा के पीस के हम कोको पाउडर बनाया जा सकता है, जिससे हम चॉकलेट्स बनाई जा सकती है. सेकेंड है वनीला ऑर्किड.
वनीला ऑर्किड आर फ्लावरिंग प्लांट्स फ्रॉम विच वनीला फ्लेवर इज ऑब्टेन. इट इज़ वाइडली यूज इन मेकिंग आइसक्रीम परफ्यूम एंड वनीला ऑयल ऑयल फॉर अरोमाथेरेपी. और वनीला ऑर्किड फूलों के पौधे होते हैं जिनसे वनीला स्वाद प्राप्त होता है. ये अरोमा थेरेपी के लिए उपयोग किया जाता है. इसके साथ ही आइसक्रीम परफ्यूम में इत्र में वनीला तेल बनाने के लिए भी किया जा सकता है. नेक्स्ट है हीना. हीना इज़ ए पाउडर पॉपुलर शर्ब. इट्स लीव्स आर यूज टू ड्राई हेयर स्किन लेदर वूल एट्सेट्रा. वुमेन अप्लाई इट्स पेस्ट ऑन हैंड इन डेकोरेटिव पैटर्न ऑन मैरिज एंड फेस्टिवल. हीना मेहंदी एक छोटा सा झाड़ीनुमा पौधा है. ये पत्तियों का उपयोग इसको बालों को त्वचा कपड़े चमड़े ऊन आदि को डाई कलर करने के लिए किया जाता है. महिलाएं इनको विवाह और त्योहारों में अपने हाथों पर डिज़ाइन बनाकर सजाने का यूज़ करती है. सेकेंड है नेक्स्ट है स्वीट वॉयलेट. स्वीट वॉयलेट इज़ ग्रोन ऑल ओवर द वर्ल्ड एज ए फॉर्म ऑफ सिरप. इट इज़ इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्ड फ्लू कफ एंड शॉर्ट थ्रॉट. इट रिलीव्स फ्रॉम हेडेक मसल्स एंड बॉडी पेन व्हेन सर्व और एज टी. स्वीट वॉयलेट मीठी बैंगनी नाम का एक पौधा होता है जिसे दुनिया भर में उगाया जाता है और सिरप के रूप में इसे यूज़ किया जाता है. ये ठंड में खांसी और गले में खराश के उपचार में यूज़ किया जाता है. इसे दर्द सिर दर्द मांसपेशियों में दर्द और शरीर के दर्द में भी यूज़ किया जाता है. साथ ही इसकी चाय बना के भी यूज़ किए जाती है. नेक्स्ट है गार्लिक कैविज. गार्लिक कैविज वर्क इन इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल. इट्स लीव्स रिलीव फ्रॉम इचेस व्हेन दे आर रब ऑन बग बाइट. गार्लिक कैविज मतलब लहसुन की पत्तियां यूज़ की जाती है. किसी भी व्यक्ति को अगर कोई कीड़ा काट जाए तो उसकी जगह पे भी उसे रब किया जाता है, या फिर कोई खुजली नुमा कोई बीमारी है तो उसमें भी गार्लिक की पत्तियों का यूज़ किया जाता है और एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए भी यूज़ किया जाता है. सिनकोना प्लांट्स इज यूज टू मैन्युफैक्चर कुनेन यूज एज अ क्योर ऑफ मलेरिया एंड इन्फ्लेमेटरी डिजीज़. सिनकोना एक तरीके से कुनेन यानी मलेरिया की बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है. कुनेन नामक दवाई बनाई जाती है और इसका यूज़ मलेरिया की बीमारी में होता है. सो दैट्स इट. कंप्लीट चैप्टर 5 एंड 6. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.